रात के 8 बज चुके हैं और ये NH-24 यूपी बॉर्डर की तस्वीर है, बल्कि यूपी बॉर्डर से 1 किलोमीटर आगे का है, इंदिरापुरम का इलाका है। यहाँ से इसी सड़क की तस्वीर आपको लगातार 3 दिनों से मैं दिखा रहा था। आज खास बात, कल और आज में फ़र्क ये है कि आज काफ़ी बसें यहाँ दिख रही है। ये ज़्यादातर बसें प्राइवेट बसें हैं और मैंने पूछताछ भी की, कुछ परिवहन निगम की भी बस है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 1000 बसों का इंतजाम किया गया। हालांकि भीड़ के मुताबिक अगर देखें, भीड़ की तादाद देखें, तो बसें कम दिख रही है, लेकिन हाँ बसें दिख रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और बहुत सारी प्राइवेट बसें जो हैं वो मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, ये सब उसके जो कंडक्टर हैं वो बार बार हाँक भी लगा रहे हैं। मैंने जानने की कोशिश की तो मुरादाबाद का 300 रुपया, लखनऊ 600 रुपया, ऐसे करके बसों 800 600 700 800 कुछ भी बोल रहे हैं। तो बसों, प्राइवेट बस के लोग इसी ढंग से इन लोगों को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए लोग जा रहे हैं। अब ये भीड़ उसी तरह से है जैसे भीड़ कल थी, और अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए उनको बस नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें बिहार के भी लोग हैं, इसमें गोरखपुर के भी लोग हैं, इसमें देवरिया के लोग हैं, इसमें सासाराम, पटना, कानपुर से आगे के लोग हैं। बसें जो अभी दिख रही है लखनऊ तक की दिख रही है, कानपुर की बस हमें दिखी, लखनऊ की दिखी, मुरादाबाद बरेली की बस दिखी, और ये देखिए भीड़ उसी तरह से जा रही है। एक बड़ी बात ये है कि चाहे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी लोगों ने अपील की है कि जो जहां हैं वहीं रहें। आप अगर दिल्ली में हैं दिल्ली में ही रहें, क्योंकि वहीं आपके लिए राशन पानी का इंतजाम किया जाएगा, किया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी बातें की कि इतने सेंटर खोल दिए गए, इतनी जगह खाने का इंतजाम किया गया, लेकिन या तो लोग उन सब की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इन्हें लगता है कि नहीं, इनके लिए बेहतर यही है कि ये जहां के रहने वाले हैं, जहां इनका घर है वहीं जाए। यहां देखिए फिर बस लगी है, अंधेरा है थोड़ा, ये 7-8 बस यहां खड़ी है चारों तरफ, आप देख रहे हैं, ये सब प्राइवेट गाड़ियां हैं। अब यहां लोग जो जिनको जहां जाना है वो बसों में सवार हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यहां बहुत सारे परिवार वाले यहां नीचे बैठे हैं। इनका गंतव्य कहां है पता नहीं, मैं कुछ लोगों से देखता हूँ अगर बात कर पाए। और ये देखिए बसों में लगातार लोग जा रहे हैं, तो कल और आज में ये फ़र्क है। आज ये तस्वीर थोड़ी तसल्ली वाली है कि लगता है चलो ये सफ़र अंतहीन कल की तरह नहीं है, और 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे या 15 किलोमीटर पे हो सकता है इनको बस मिले। और मैं अभी यूपी बॉर्डर से करीब करीब 4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और ये काफिला जो लोगों का चलने का है ये कई किलोमीटर, किसी ने बताया 20 25 30 किलोमीटर तक ऐसे लोग चले जा रहे हैं। मैं एक बार 10 किलोमीटर गया था दोपहर में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं भरोसा हुआ कि ये दिल्ली में रह सकते हैं, या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन सबको लगा कि नहीं अब छोड़ना ही जरूरी है या चलना जरूरी है। तो एक बड़ी बात ये है कि सबको डर है कि कहीं ये जो लॉकडाउन है ये 3 महीने या 4 महीने न चल जाए। 3 महीने की बात सबके जहन में है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि पहले लगा 21 दिन, लेकिन फिर कहा गया कि 3 महीने का अनाज पानी, खाना पानी, तो लोग कह रहे हैं 3 महीने होगा, तो 3 महीने हम कैसे चलेंगे। दूसरी बात कि इन सबको लग रहा है कि सबका कहना है कि भले सरकार कह रही हो कि यहाँ राशन मिल रहा है, यहाँ खाना मिल रहा है, बट हम तक तो कुछ नहीं पहुँच पा रहा था। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात इनको एक और चीज़, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड या मेरा जो बैंक में अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, जो भी चीज़ है, वो सब मेरा गांव में है। हम यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्री में या जहाँ तहाँ काम करते थे, या लेबर का काम करें, पेंटिंग करें, POP का काम करें, जो भी काम करें, हमारा यहाँ कोई कागज पत्तर नहीं है। तो अगर हम यहाँ रहते भी हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें अगर कुछ चाहिए या मिलने वाला भी है, अगर CM ने, PM ने कुछ कहा भी है, तो वो सब वहीं मिलेगा जहाँ मेरा घर है। तो एक ये भी वजह है, तो कई वजह है, लेकिन एक अविश्वास बहुत बड़ी वजह है। अगर इन सबको ये भरोसा होता कि इन्हें जिन सुविधाओं का ऐलान इनके लिए किया गया है वो सुविधाएं यहाँ दिल्ली में मिल जाएंगी, या जहाँ से भी ये चले हैं वहाँ मिल जाएगी, तो शायद ये पलायन कम होता। दूसरी बात, इनको लग रहा है कि घर चले जाएं, अपने शहर, अपने गांव चले जाएं, तो अगर थोड़ा कष्ट भी हो, अगर थोड़ी आर्थिक तंगी भी हो, तो भी हम वहां झेल लेंगे। यहां कैसे झेलें, यहां किराया देना है, बच्चे अगर कहीं किसी छोटे स्कूल में भी पढ़ते हैं तो उस पर कुछ खर्चे हैं, रोजमर्रे की जिंदगी जीने के लिए कुछ खर्चे हैं,
और उन खर्चों को बेयर करना, उन खर्चों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी कमाते थे 200-400-500 रुपया डेली, वो सारी कमाई बंद हो गई और वो कब शुरू होगी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो ये सब वजह हैं जिसकी वजह से लोग सफ़र पर लगातार निकले हैं और जा रहे हैं।